बदलते वक्त में जहां हर चीज बदली, इंसान बदला, माहौल बदला और बदलते वक्त के साथ देश की तस्वीर भी बदली। जैसे जैसे समय गुजरा वैसे वैसे देश की जनसंख्या भी बढ़ी और उसके साथ ही बढ़ी हमारी जरूरतें भी, और उन्हीं आवश्यकताओं में से एक थी हमारी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं। सभी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए हर समय प्रयास किए जाते रहे हैं। देश की राजधानी में स्थित कई बड़े अस्पताल अंग्रेजों द्वारा बनाए गए। उन्हीं में से एक है देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जिसे उसके पुराने नाम विलिंगटन के नाम से भी जाना जाता है। आज ये अस्पताल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। समय गुजरने के साथ जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ी वैसे ही अस्पताल का भी विस्तार हुआ और आज मरीजों के लिए 984 बिस्तर हैं। आज लगभग हर साल ओपीडी में दिखाने वाले मरीजों की संख्या 12 लाख है। अमूमन 46,000 मरीज हर वर्ष भर्ती होकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में आने वाले मरीजों को क्या सही सुविधाएं मुहैया हो पाती हैं? क्या अस्पताल में साफ सफाई पर ध्यान रखा जाता है जिससे आने वाले मरीजों को गंदगी और साफ सफाई कम होने के चलते किसी तरह का कोई संक्रमण न लगे? मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए एक पहल की गई, जिससे आने वाले मरीजों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अस्पताल का जायजा लिया। हर रोज ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या हजारों में है। लोग वहीं फ्लोर पर बैठे खाना खा रहे हैं तो कहीं कोई लेटा हुआ है। पंखों पर जमी धूल ये बयां कर रही है कि बरसों से किसी ने इन्हें देखा ही नहीं है। सफाई तो बाद की बात है, गंदी बोतल, बहता पानी, टूटी दीवारें हर तरफ देखने को मिल जाती हैं। अस्पताल के अलग अलग हिस्सों में जब हम गए तो देखा कि हर तरफ कूड़ा करकट पड़ा है। कूड़ेदान होने के बावजूद चाय के कप बाहर पड़े नजर आते हैं। जमीन पर बिखरा ये पानी जो मच्छरों को दावत देने का काम कर रहा है। ये मालूम होता है कि सफाई के पुराने तरीकों में बड़ी गड़बड़ी है। झाड़ू के सहारे कूड़े को साफ कर एक कोने में लगा देना ही काफी नहीं होता। कूड़ेदान की जगह इस गंदगी को कोने में इकट्ठा करना सफाई कर्मचारियों के काम का हिस्सा बन गया है। जिस कोने पर नजर गई, वहाँ हर कोने में छोटा या बड़ा एक कूड़े का ढेर जरूर नजर आया। ये तरीका साफ दर्शाता है कि सफाई के तरीकों में कितनी बड़ी गड़बड़ी है। आगे बढ़े तो फर्श का भी बुरा हाल, वही झाड़ू के सहारे दिखाई देने वाले कूड़े को साफ किया जा रहा है। फिनाइल या किसी केमिकल से फर्श को साफ करने का कोई तरीका नहीं है, बस चारों तरफ झाड़ू ही रोज की सफाई का साधन है, जो काफी नहीं है। अब आइए चलते हैं वार्ड में। यहाँ भी सफाई के तरीके वही पुराने। गीली चादर पर मरीज लेटा हुआ है लेकिन कोई बदलने को तैयार नहीं। खून के दाग वाली चादर पर भी मरीज लेटा हुआ है। मरीजों का सामान चारों तरफ भरा पड़ा है। कूड़ेदान का इंतजाम नहीं तो काली थैली कहीं भी लटका दी गई है। थूकने वालों से कोई कोना साफ नहीं बचा है। सफाई का आलम ये है कि मरीजों से ज्यादा उनका सामान रखा हुआ दिखाई दिया। साथ ही हर तरफ फर्श पर पड़ी बोतलें, सुइयां और कोनों में पड़े गंदे कपड़े चारों तरफ आसानी से दिखाई दे जाते हैं। इसीलिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के कई कर्मचारियों को मैक से आए एक्सपर्ट्स द्वारा ट्रेनिंग देनी शुरू की गई। पर्सनल ग्रूमिंग से लेकर अस्पताल की साफ सफाई के हर पहलू को सिखाया गया। व्यक्तिगत साफ सफाई भी सफाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने आप को काम पर जाने से पहले किस तरह तैयार करना है, जिसमें शेव बनी हो, बाल कटे हों, जूते पॉलिश हों, नाखून कटे हों और कपड़े प्रेस किए हुए होने चाहिए। कर्मचारियों ने ट्रेनिंग को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इसमें हिस्सा लिया और एक विद्यार्थी की तरह इन कर्मचारियों ने प्रशिक्षण हासिल किया। खुद की साफ सफाई से लेकर हाथों को कैसे साफ करना चाहिए, सभी बातें बारीकी से बताई गई। हर क्षेत्र को कैसे साफ किया जाए जिससे संक्रमण न फैले और अच्छी सुविधाएं प्रदान की जा सके। इस कार्यशाला के दौरान इन्हें ये भी सिखाया गया कि अगर सफाई के लिए डस्टर ही उपलब्ध है तो बेहतर सफाई के लिए एक डस्टर को ही एक जगह में प्रयोग लाना चाहिए। साथ ही अलग अलग कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।
जिससे संक्रमण फैलने के खतरे को कम किया जा सके। चमकते फ्लोर्स अपने आप प्रशिक्षण से होने वाले बदलाव को बयां कर रहे हैं। सफाई का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि सफाई कर्मचारियों की सोच भी बदली है। अगर अस्पताल की ओपीडी क्षेत्र में नजर दौड़ाएं, तो साफ नजर आता है कि साफ सफाई का स्तर काफी सुधरा है। आज ये कर्मचारी न सिर्फ साफ सफाई के तरीके को बदल चुके हैं, बल्कि ये अपने अंदर भी एक बदलाव महसूस कर रहे हैं और उसका असर अस्पताल की चार दीवारियों में देखा जा सकता है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सफदरजंग अस्पताल को भी शामिल किया गया। सफदरजंग अस्पताल को दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकन आर्मी बेस के रूप में शुरू किया गया था। 1954 में इसे केंद्र सरकार ने अपने अधीन कर लिया। समय के साथ सफदरजंग अस्पताल में लगातार मेडिकल सुविधाओं में विकास किया जाता रहा है। ये अस्पताल केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आने वाले मरीजों के लिए अच्छी सुविधाएं देना एक बड़ी जिम्मेदारी है। स्वच्छता और साफ सफाई के तहत इस अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया। पुराने साधनों और तकनीक के माध्यम से सफाई करना इतना कारगर नहीं है। हर तरफ बिखरा हुआ कूड़ा करकट दिखाई दिया, जो ये समझने में मदद करता है कि सफाई के गलत तरीके के चलते ही हम सफाई के उन मानकों को तय ही नहीं कर पाते जो होने चाहिए। प्रसाधनों की तरफ रुख किया तो पाया कि गंदगी की कोई सीमा नहीं है। गंदगी से सीट्स और पॉट्स बंद हो चुके हैं, जिन्हें कई दिनों से साफ नहीं किया गया है। कोई भी अगर इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल कर भी लेता है तो संक्रमण से बचना मुश्किल है। ये गंदगी किसी भी बीमार को और बीमार कर देने के लिए काफी है। इन सब बातों को देखते हुए सफाई के साधनों को बढ़ाने के साथ साथ सफाई के सही तरीकों को अपनाने की सख्त जरूरत थी, और इसी के चलते सफदरजंग अस्पताल में सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल की तरह ही सफाई कर्मचारियों को यहां भी प्रशिक्षण कक्षाएं देना शुरू किया गया। मैक्स अस्पताल से आए एक्सपर्ट्स द्वारा चुने हुए कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं प्रारंभ की गई। सभी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। जो कर्मचारी सालों से वही पुराने साधनों को अपनाकर साफ सफाई को अंजाम दे रहे थे, अब नई चीजों को सीखने के लिए बिल्कुल तैयार दिखे। नए पुराने कर्मचारियों ने साथ मिलकर इस प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। सभी कर्मचारियों ने इस ट्रेनिंग को गंभीरता से लेते हुए सफाई के नए तरीकों को सीखा। फिर चाहे बात हो रूम सर्विस की, वार्ड की साफ सफाई की, स्वयं की स्वच्छता की, मरीजों से बातचीत का तरीका, झाड़ू पोछे की जगह इन आधुनिक मशीनों ने ले ली है। अस्पताल परिसर में सफाई करती ये मशीनें फर्श को चमकाने में लगी हैं, जो चलाने में भी बहुत आसान है। चारों तरफ सफाई के तरीकों से ये साफ दिखाई देता है कि ये लोग पुराने साधनों को पीछे छोड़ते हुए नए साधनों को अपनाकर साफ सफाई का एक अलग ही स्तर पाने में लगे हैं और बहुत हद तक पा भी लिया है।